मार के पा करते हैं। वो पगड़ी पहनाकर किसी साहब को सम्मानित करें। बोल श्री गुरु रविदास महाराज की। बस 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 बस। गुरु रविदास शक्ति। बस बस। गुरु रविदास शक्ति। इसके बाद सब को बुक्का पेश करें। वेलकम सर। वेलकम। इसके बाद ये सिर्फ प्यार है सर। श्री राम शरण जी वो भी आप आज का जो दिन है ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन वो सन वो ज्योति इस संसार में अवतारित हुए, जिन्होंने आकर जहाँ में जो समाज के अंदर इम्बैलेंस था, जैसे कि उन्होंने जो अपना शिक्षा दी हमें या समाज के प्रति या समाज को जो उन्होंने दिया कि इस तरह से एक हेल्दी समाज बन सकता है, उसमें उन्होंने कहा कि समान एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो, समानता समानता इक्वालिटी, हम बराबर हैं, हर हिंदुस्तानी बराबर है, हर भारतवर्षी बराबर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड कलर रीजन कुछ भी जो है उसके अलावा हम सब एक हैं। ये एक उन्होंने मैसेज दिया। तीसरा मैसेज जो तक था वो था ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी क्योंकि आदमी के जो बेस है वो ह्यूमैनिटी है। अगर आदमी के अंदर ह्यूमैनिटी है, उसमें इंसानियत है, तो समझो कि वो इंसान है, वो आदमी है, अदरवाइज तो वो जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं रहता। इस तरह की चीजें जो है वो गुरु जी ने हमें दी और इस समाज को बैलेंस करने का प्रयास किया। पूरा कठुआ जिला इनके पास है, आप देख रहे हो जिस तरह, तो उसके पहले जो संडे आता है उस दिन हमारे जिला के जो हेड हैं वो आकर इसका शुभारंभ करते हैं, फ्लैग ऑफ करते हैं इस रैली को। हमारी संगत दूर दूर से आई हुई है, पूरे डिसिप्लिन और पूरी एसओपी, हमने बार बार कह रहे हैं कि पूरी एसओपी का भी ख्याल रखें और साथ में डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुल होती है, कामयाब होती है, उसके लिए डिसिप्लिन जो है वो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। तो मैं दोबारा यहाँ से कहना चाहूँगा कि जब हम जहाँ से चलेंगे तो अनुशासन का आपने खास ख्याल करना है। खासकर मैं युवा पीढ़ी से ये करूँगा, क्योंकि युवा पीढ़ी में थोड़ा जोश होता है, आपने जोश के ऊपर कंट्रोल करना है और अनुशासन के साथ ही चलना है। जहाँ जहाँ कमेटी के मेंबर्स आपको कहेंगे तो वहाँ वहाँ आपने चलना है। हमारे चक्रस्थल के सरपंच साहब और हमारे यहाँ पर कमेटी के जितने भी सदस्य उपस्थित हैं और जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और उसके साथ साथ आप सभी को गुरु रविदास जी की जयंती पर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले पूर्णिमा को हम 16 तारीख को हम रविदास जयंती सेलिब्रेट करेंगे और ये वो मौका है जिसमें हम रविदास जी का जो संदेश है उसके ऊपर फिर से गौर करें, जो यहाँ पर आपको बताया भी गया कि उन्होंने किस तरीके से सभी के बीच में समानता का एक जो संदेश दिया कि हर एक को हमने बराबर मानना है। और इसके अलावा उन्होंने दूसरे भी जो आज की डेट में हमारे बीच में कुरूतियाँ आ गई हैं उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई, चाहे वो नशे को लेकर हो, चाहे वो और दूसरे जो हमारे बीच में जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ उन्होंने हमें जो संदेश दिया उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। मैं अधिक ना बोलता हुआ एक बार आप सभी को फिर से गुरु रविदास जयंती पर शुभकामनाएं अपनी तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देता हूँ। Thank you, guys. Thank you.
वोट बनो एक थम बसे सबको चक्रथल की तरफ से गुरु रविदास जयंती 645वीं जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से उनके जो संदेश थे, जैसे कि आपको बताया ही है डीसी साहब ने और हमारे कमेटी के सदस्यों ने ब्रीफ किया है इस पर कि जिस प्रकार से एक ज्योति ने जन्म लिया था इस धरती पे और उन्होंने जो संदेश हमें दिए हैं उस पर किस प्रकार से अमल किया जाए आज के टाइम पर, उस सबको लोगों को संगठित एक रूपी रेखा में बांध कर चले, ऐसा प्रयोग हमसे हमेशा किया जाता है और हम हमेशा यही मैसेज जो है वो देते हैं। आप सब जानते ही हैं प्रतिवर्ष जो है वो चकनथल की तरफ से गुरु रविदास कमेटी की तरफ से एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा का जो है वो हर प्रतिवर्ष जो है वो की जाती है और उसी का आज ये दिन है वो मनाया जा रहा है और काफ़ी संगत में हर्ष उल्लास का जोश है। और मैं ये फिर से एक मैसेज देता हूँ समाज को अपनी तरफ से कि यार बड़ा अपना सहयोग से रहें और प्यार मोहब्बत से अपना समय गुजारें, आने वाला समय और भी बेहतर हो जीने के लिए। युवा पीढ़ी को साथ हाथ जोड़ के विनती है कि हमेशा जो है वो नशे से दूर रहें और ऐसे ही एक समाज जो है एक मतलब एक फूलों का गुलदस्ता है और गुलदस्ते की तरह हम जिए, बस यही एक कामना है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ से जाए? ये यात्रा जो है वो हर बार जो होता है इसमें भी ब्रीफ करता हूँ कि हर बार सांझी मोड़ से निकल के ये दो डायरेक्शंस में यात्रा जाती है। कभी ये हिरनगर से होके वापस आती है चढ़वाल से नीचे और एक नेक्स्ट ईयर क्या होता है राजबाग से होती है। तो आज पिछली बार हम हिरनगर से होके गए थे, इस बार जो है हम राजबाग से होते हुए बाया छन्नी और चढ़वाल से दोबारा नीचे आ रहे हैं। बॉर्डर वाटर से ये निकलती है और रैली आपके सामने है, किस प्रकार से संगत दूर दूर से चलकर आई है ये सब आपके सामने है। जय हिंद।